बिलासपुर में सब्बल से एटीएम उखाड़ने का प्रयास करने वाले दो युवकों का वीडियो सामने आया है। एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरे में सब्बल लेकर घुसे दोनों युवक रिकॉर्ड हो गए। अंदर घुसकर युवक कैमरे को ढककर सब्बल से एटीएम उखाड़ने और उसमें से रखे पैसे निकालने की कोशिश कर रहे थे। सफलता नहीं मिलने पर युवक भाग निकले। घटना कोटा थाना क्षेत्र की है। जानकारी के अनुसार कोटा थाना क्षेत्र के गोबरी पार्ट में हिताची एटीएम लगा है, जिसे भवन मालिक ने एग्रीमेंट कर किराए में लगाया है। रविवार की रात दो बदमाश युवक एटीएम के कमरे में घुस गए। युवक हाथ में सब्बल रखे हुए थे। इस दौरान युवकों ने एटीएम को उखाड़ कर ले जाने का प्रयास करने लगे। सफल नहीं होने पर एटीएम से रुपए निकालने वाली जगह पर भी सब्बल से अटास कर रुपए निकालने की कोशिश की गई। इसमें भी दोनों बदमाश सफल नहीं हो सके, लिहाजा एटीएम में तोड़ फोड़ कर वहां से भाग निकले। एटीएम में चोरी करने का प्रयास और तोड़ फोड़ करने की जानकारी सोमवार की सुबह कोटा पुलिस को मिली। जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी दिनेश चंद्रा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर दोनों बदमाशों के संबंध में जानकारियां जुटा रही है। एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरे में दोनों बदमाश कैद हो गए हैं। कैमरे में एक युवक पहले एटीएम में घुसते नजर आ रहा है। तलाशी लेने के बाद उसने अपने दूसरे साथी को बुलाया, फिर सब्बल लेकर अंदर आया। दोनों बदमाश एटीएम को उखाड़ने से पहले कैमरे को ढकने का प्रयास भी करते दिखे। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस दोनों युवकों की पहचान कर उनकी तलाश करने में जुट गई है। पीआई चंद्रा ने बताया, बदमाशों का चेहरा दिख रहा है लेकिन उनकी पहचान अभी नहीं हो सकी है। आसपास के लोगों की मदद से उनकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है। बने जिला प्रमुख व ब्लॉक प्रमुख रिपोर्टर और पाए मौका प्रदेश की सबसे बड़ी न्यूज चैनल छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज के साथ जुड़ने का। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।